वर्ड गो शुरू हुई एपिसोड के भाई जो है वो लास्ट एपिसोड का एंड ये देखा था ना hmm. कि so hmm. आपस में खड़ी, तू जस खलोती रहे साथ hmm. और फोन आ गया था thinking, क्या फोन आया तो थाने से कॉल आई थी कि ये कोई बैठा है जिसने आपको बुलाया और जो कह रहा है कि ये आपका सलाह है अब ये वो मोमेंट था जिसके लिए हम अभी तक इंतजार करते थे ये हमारा हुक् था ना कैसे और कब लोगों को पता चलेगा इस घर के, के ये कि ये दोनों भैया बीवी हैं निकाह हुआ हुआ है क्योंकि हाजी साहब नहीं बता पा रहे हैं और वो बात खुलना शुरू हुई और खुलती चली गई और क्या प्यारे तरीके से लिखी गई क्या प्यारे तरीके से डायरेक्ट की गई उसकी कटिंग्स कितनी खूबसूरत थी म्यूजिक कितना खूबसूरत था वोकल्स जो गाने के हैं जिन्होंने गाया है जिस लड़की की आवाज़ है वो कितनी आ, हसीन और दिल को छू लेने वाली है द गाय वो मुझे नहीं पता कि ये वाला बिट जो था ना बीच में ये आ, नुसरत नहीं है शायद ये कोई ये और लड़का आ, लड़की सेमी खान है सिंगर ब्यूटीफुल फेमस सिंगर है वो निमरा खान है वाह वाह और फिर लिरिक्स जो कि कमाल है एक्सप्लेनेटरी मैं हमेशा जब कोई ड्रामा डायरेक्ट करती हूँ जो कि चार दफ़ा आठ दफ़ा ज़िंदगी में हुआ होगा तो मैं यही बताने की कोशिश करती हूँ लिरिक्स राइटर्स को कि लिरिक्स जो है ना उनको वो बात कहनी चाहिए जो आ, राइटर और एक्टर्स नहीं कह रहे जो लिखी हुई कहीं पे भी नहीं है हमें सुनाई नहीं दे रही मगर अंडर इमोशन है बहुत सारे सीन्स का बार बार लग सके ताकि और फिर जब वो जगह आएंगी तो अगर वो तो ज़ाहिर वो बात नहीं बोल रहे तो वो बात आपका म्यूजिक कहेगा ये ड्रामा है जिसमें इसमें भी और नरोज़ में भी लिरिक्स वही कहानी कहते हैं जो उस जगह की कहानी होती है और जो राइटिंग में और एक्टर्स के डायलॉग्स में राइटिंग में बेसिकली नहीं होती सो आई थिंक अ द टीफुली फ्लोइंग एपिसोड जो कहीं रुकी ही नहीं बारबीना को जहाँ वो आ जाता है घर में और वो कहते हैं कि ठीक है फिर तुम इसको जब पता कुछ फिर एसको सा हो गया कि बहनोई ने कह दिया कि भाई इस वाली को मुझे इससे मेरी शादी कर दो और अब इसका क्या करना है वो कहते हैं कुछ नहीं कर सकते इसको निकालो यहाँ से भाई भी आया हुआ है निकाल दो और वो निकाल रहे हैं अभी अभी निकाह नहीं पता चला घर में और वो मोमेंट जो था जो सबसे ज़्यादा गूज बम मोमेंट था मेरे लिए वो वो था जब परवीना बा, कहती है हाजी साहब इजाज़त तो उनका हाथ चूमती है आँखों को लगाती है इट्स वाज रे सबके सामने करती है हाँ सबके सामने करती है अल्लाह की अमान में वो कहते हैं एंड वाइल्ड शी इज गोइंग तो वो शमीम आ जाती टोकरा लेके और उसके बाद से तो एपिसोड यूँ गया और ऊपर वहाँ तक भी ऊपर ही जा रहा था वहाँ से तो फिर रॉकेट की रफ्तार से गया है सोवाओ so, क्या कहो किस किस को शाबाश दो इसमें बट राइटर को तो मैं कहती हूँ दिल से शाबाश और दुआ है एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स नीचे आ रहे थे और जैसे कि नादिन लास्ट ने तस्करा किया था इस बात का कि ये सब चीज़ें गलत भी बहुत लग सकती थी लोगों को हाँ। और वो लोग कमेंट्स में बहुत सारा कर रहे हैं स्पेशली कुछ खातीन थी।, थी उन्होंने काफी कमेंट्स करना शुरू किए नीचे हमारे शो के नीचे भी कि कैसे दिखा सकते हैं कि एक बड़ी उम्र का आदमी है और एक कितनी यंग लड़की है ग्रेसफुली दिखा रहे हैं हाँ। और वो ये सारी बातें की तो मेरा एक तो उसका ये था कि उनको जवाब देना चाहिए था ऐसे

अगर Because अब वो एक, रिस्पेक्ट कर हाँ। तो अगर एक लड़की को तो एक एक है, है वो अपनी मर्जी से एक ऐसे इंसान का इंतखाब करती है जो कि कि उसको लग रहा है है उसके लिए वाइज डिसीजन तो वो आप उसको कैसे गलत कह सकती हैं उसका पूरा राइट है उसको दुनिया का हर कानून दुनिया का हर मजहब हर मास्टर उसको इजाजत देता है यह बिल्कुल भी कोई यंग एंड ओल्ड मैरिज को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है ये बहुत खूबसूरत कहानी है पहले इस कहानी को जाके देखें फिर आके इस तरह के कमेंट्स आप करें फिर अपने दीन को पढ़ें

All of his प्रीवियस स्क्रिप्ट uh, मुझे ढूंढ के भी गलती नहीं मिल रही uh, बारबीना uh, को भाई पूछता है कि तुम्हारा क्या स्टेटस है इसके साथ वो लव्स लफ्स में भूल गई हूँ जिससे वो पूछता है कि क्या तुम मियाँ की कितना रहते हो और वो कहते है उससे भी ज़्यादा मुझे बाप भी आता है। मुझे मुझे इसमें इसमें बाप नजर आता है। मुझे इस uh, भाई, भाई, भाई नजर भाई क्या तुम मिया बीवी की तरह रहते हो का जवाब हाँ. था लाजवाब था एक्चुअली सही है। इससे भी कहीं ज्यादा कभी बाप की तरह लगता है कभी बेटा लगता है कभी अब्दुल्ला लगता है कभी गुलरेज अब्दुल्ला वो खुद था और गुलरेज वो भाई था जिसकी मदद करने के लिए वो यहां पहुंची थी और फिर उसका हस्बैंड का भी मेंशन करती हाँ। है जो उसका एक्स जो उसका हाँ, एक्स एक हाँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लाइंस ब्यूटीफुल एंड देन देयर वाज दिस लाइन जगह जहां पे वो हाथ जब वो निकाल निकाल निकल रहे हैं ना शमीम के की एंट्री से पहले तो वो हाथ चूमती है और कहती है मैं जहां भी रहूं हाजी साहब आपकी? आपकी अमानत <laughs> है ना <laughs> ये भी बहुत कमाल जगह पे कमाल लाइन थी कम, मतलब जगह तो ऐसी थी कुछ भी ना कहते हाथ चूम के उठ जाती चली जाती मगर ये, कि, कि, किस ये किस किस्म की राइटिंग राइट किस किस्म फिर शमीम का पूरा मोनोलॉग और जिस तरह से उसके अंदर भेजे गए हैं वो आ, डांसर्स खुसवे और फिर मरासी

स्टैंडिंग इन हाजी साहब रूम और वो यहाँ खड़ा है दरवाजे में और बहन सुकैरी है तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ है, कितने इज़्ज़तदार आदमी और वो कहता है हाजी साहब मुझे माफ़ कर दो मैं बख्शवा के जाना चाहता हूँ ना अपना गुनाह आपसे और बारबीना तुम भी बख्शवा लो तो वो कहता है कि नहीं तुम लोग कत्ल करते हो ना जैसे वैसे हम जलील करते हैं

वाह जीते रहिए जो ये पूरा फियास्को था बाकी सीन तो थे ही बेहतरीन मगर इसकी जो कटिंग थी ना टोकरे के साथ शमीम का आना ठीक है कैसे लिखा हुआ था मगर जैसा लिखा हुआ था एग्जैक्टली वैसा ही विजुअल बना ये है एक बड़ा डायरेक्टर जो कहता है पढ़ते ही कि विजुअल बन गया है बस सिर्फ उतारना है सो so, ब्यूटिफुल जो जिस जगह ने मेरे दिल को अनयूजल होने के हिसाब से टच किया वो वो थी जब शमीम घर वापस जाती है दोबारा देखना उस सीन का म्यूजिक सुनना वो hmm. हमारी पुरानी पाकिस्तानी फिल्म का म्यूजिक था हाउ इट जस्ट टुक मी टू दैट जब वो उससे जाके और क्या डायलॉग थे वो hmm. फिर दोनों के, के मेरा तो उससे हिसाब था तो वो कहता तुमने अपना हिस्सा उसमें डाल दिया आई थिंक दिस इज राइटर डायरेक्टर मैच मेड इन सो कितने मुझे उस इंसान की शक्ल भी दिखा देता है कि भाई आया है और वो भागती है uh, बोलते बोलते बिसमिल्ला बिस्मिल्ला करते डन बायरफुली डन बा सबीना फारूक की तरफ जो भी काम आ रहा है वो उसको बहुत दिल से और बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं और शी इज़ लकी दी इज़ गॉट द रोल ऑफ अ लाइफ टाइम आई हाजी साहब हाजी साहब का कन्फ्यूजन हाजी साहब की बेबसी हाजी साहब की खामोशी ये तीन ही चीजें थी हाजी साहब ने ज्यादातर यही दिखाई हैं अभी तक अब हाजी साहब अगर आगे बदलेंगे तो शायद हम कुछ और बदला है नहीं अब तो हाजी साहब ने उसने कहा ना हक बख्श वालो तुम भी और लेट्स गो हाजी साहब ने कहा इस लिए तो भेज रहा था क्योंकि ये निकाह नहीं डिस्क्लोज किया हुआ था अब तो बारबीना नहीं जाएगी बारबीना कहीं नहीं जाएगी अब तो कहानी शुरू होगी सो हाजी साहब ने ये तीनों जगह बेबसी खामोशी फ्यूजन इतने प्यारे तरीके से पोर्ट्रे की हैं वो सारा वक्त जब अकेली शमीम बोल रही है hmm. और हाजी hmm. साहब ने सिर्फ एक्सप्रेशन देने हैं एक सीधा एक्सप्रेशन दे सकते थे नहीं दिया ही गेव अ मल्टीट्यूड ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल एग्जैक्टली जो जहां चाहिए था वो आई थिंक ही जॉब हाजी साहब इससे बेहतर मैं पहले भी कह चुकी हूँ कोई नहीं हो सकता था और मेरे हिसाब से वो आठ है आठीन